भैया आपसे बात नहीं कर रहा मैं, भैया से बात चल रही मेरी, आप बीच में मत आओ बिल्कुल। जब भैया की और हमारी बात हो रही तो आप बीच में क्यों मिल रहा है? आपसे कुछ बात ही नहीं की, आपसे कुछ शब्द ही नहीं बोला मैंने। आप लोगों को देख रहा हूँ बहुत देर से, आप बदतमीजी बात करे जा रहे हैं। स्वागत है एक और वीडियो में। तो भाई वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के तो आप समझ गए होंगे इस टॉपिक पे वीडियो होने वाली है हमारी। तो भाई हमारे साथ एक खतरनाक सीन हो गया था। हम हमारे पापा जी को लेके गया था हमारे चश्मा लगवाने के लिए गार्डर वाला। तो भाई वहाँ पे जाके हमने चश्मा वश्मा डॉक्टर के पास नंबर लगाया, सब कुछ हुआ, हमारा नंबर वगैरह आया, हमने पर्ची वगैरह, उसके बाद जो हुआ ना वो आप आगे वीडियो में देखिए। भाई काफ़ी बदतमीजी से हम लोगों से वहाँ पे बातचीत की जा रही थी, वहाँ पे काफ़ी बुरी बदतमीजी टाइप में की जा रही थी हमारे पापा के साथ वहाँ पे। तो आप वीडियो में पूरा देखिए क्या क्या हुआ हमारे साथ। डॉक्टर साहब देख रहे ऐसे मोहब्बत से बोल रहा है, और आप लोग नहीं आप कहना है आप, आपने हमसे क्यों बोला कि हम दूसरी दुकान पर जाएंगे? क्या भाई नहीं बोल सकते क्या? भाई हम कस्टमर हैं, तो जहाँ से हमको पसंद आएगा वहाँ से हम मनवाएंगे, जरूरी थोड़ी कि आपकी शॉप है यहाँ पे है, कहीं के नेता हो क्या आप? नहीं तो बोल रहे हैं ना उनके मतलब ज्यादा महंगा थोड़ा कम कर, ज्यादा महंगा तो मत बनवाओ, बात खत्म। देख रहा है भाई सब किस प्रकार से बदतमीजी की जा रही है, डायरेक्ट बोल रहा है मत बनवाओ, क्या जरूरत है? ऐसा कोई करता है कि भाई कुछ अच्छा सजेशन दो भैया, आप बात जाने लगोगे तो चलो हम 200 कम कर दे रहे, 300, ये सब नहीं, वो तो हम कहीं नहीं रहे, हमारे यहाँ भाव कर रहे हैं। हाँ हमारे यहाँ जो रहेगा हम वही बताएंगे। हमने आपको पहले बोला कि आप कम का फ्रेम देख लीजिए, इनका 850 का है, आप 150 का ले लीजिए, 300 का ले लीजिए, आप 850 का फ्रेम पसंद करेंगे, कांच अलग से लगता है उसका भी 800 रुपए लगेगा, तो ऐसे ही आप 1600 रुपए तो ऐसे ही हो गए। आप 150 का फ्रेम ले लेंगे, 800 का लेंस लेंगे तो 1000 में बन जाएगा, 950 में। हाँ तो बोल तो और फ्रेम दिखा दो आप, वो चीजें हैं, लेकिन आप हमसे कहेंगे कि हमें दुकान दूसरी जगह जाना, तो आप जा सकते हैं सर, फ्री माइंड है आप तो। नहीं हम पता नहीं कर सकते क्या दूसरी दुकान पे? भाई यहाँ पे मुझसे खड़े खड़े ऐसा देखा नहीं जा रहा था, रहा नहीं गया, मैं बीच में बोल पड़ा, काफ़ी ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहे थे एकदम, ये पापा को पर चढ़ ही जा रहे थे, तो मैं बीच में यहाँ पे बोल गया। अब और देखिए वीडियो में, भैया आपसे बात नहीं कर रहा मैं, भैया से बात चल रही मेरी, आप बीच में मत आओ बिल्कुल। जब भैया की और हमारी बात हो रही तो आप बीच में क्यों मिल रहे हैं? आपसे कुछ बात ही नहीं की, आपसे कुछ शब्द ही नहीं बोला मैंने। आप लोगों को देख रहा हूँ बहुत देर से, आप बदतमीजी बात करे जा रहे हैं, मेरे फादर बैठे हैं यहाँ पे। देखो भाई यहाँ पे ये बोल रहा है काय का बदतमीजी कर रहा है, इतनी देर से बदतमीजी करे जा रहे हैं यहाँ पे, और बोलते हैं क्या काय की बदतमीजी कर रहा है? भाई कुछ तो सीख लो, कुछ शर्म कर लो थोड़ी बहुत। नहीं तो आपसे यही बोला ना कि बस भैया हम देख रहे दुकान पे और पता कर सकते हैं क्या? आप बोल रहे हैं डायरेक्टली हाँ भैया जाओ सस्ताई वाला लो आप, तो क्या बोले क्या आपको, क्या बोलेंगे वो? तो हमारे ऊपर, हमको जो कुछ लेना वो हम लेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं। मत अरे भाई मेरे, तो हमने तुम्हें लड़ाई कर रहा है क्या हम तुमसे? हम कौन लड़ाई कर रहा है यहाँ पे? भाई यहाँ पे ये जो लंबे लंबे बाल वाला जो बंदा है ना, ये काफी ज्यादा भाई सब बीच बीच में बोल रहा था, यही काफी ज्यादा बदतमीजी बात कर रहा था। वो चश्मा वाला भाई थोड़ा ठीक था, अच्छे से बात की उसने, लेकिन ये जो था इसने काफी ज्यादा बदतमीजी बात की, ये बीच बीच में हो रहा था, तो इस पे तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रही थी। भाई साहब बताओ अब ऐसे में आप भाई बीच में बोलेंगे हम आएगी हमको गुस्सा? भाई कोई हमारे पापा जी से इतनी बदतमीजी से बात करेगा तो हम चुपचाप थोड़ी ना खड़ेंगे भाई, मुंह थोड़ी देखेंगे हम तुम्हारा, हम भी कुछ जवाब दे सकते हैं, इतने बड़े तो हम हो गए हैं। मेरा सजेशन ये है कि भाई डॉक्टर के पास तो आओ, डॉक्टर काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ये जो इनके अंदर शॉप है भाई यहाँ से चश्मा ना ही बनवाओ तो सही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इज्जत नहीं मिलती। आप बाहर और भी शॉप है उनसे बनवा सकते हैं। टोटल भी है 1900 प्लस आधा 180। हाँ तो क्लियर कर दो और हम दवाई ले रहे हैं, कम गए तो एक छोड़ देंगे। कुछ जमा कर दीजिएगा, मतलब कल भी मिल सकते हैं, पर आप भी नहीं आए ये भैया भी आके ले जा सकता है सर, ठीक है? फोन नंबर बता दीजिए और तो अच्छे जमा करा दीजिए, नंबर 95 है जो कुछ है हम भी ठीक है। हाँ
फिर भाई यहाँ पे वो जो बंदा काफी ज्यादा बदतमीजी कर रहा था वो एक साइड कोने में जाकर बैठ गया था कंप्यूटर पे। उसने फिर मोबाइल जो चलाना चालू किया, नीचे सर किया, उसने दोबारा ऊंचे करके देखा नहीं। भाई मुझे काफी ज्यादा फिर हंसी आ रही थी, मैंने सोचा अब आया उसको मजा, बैठ गया। हम लोगों को भाई ये सीधा सच्चा समझ रहे थे, लेकिन इन्हें क्या पता कि इतना दिमाग तो हम में भी है। सब लोग बाहर के आपके यहाँ लोकल के भी? नहीं भी है बाहर से, वो लड़का बस लोकल का है, लेकिन वो सागर के रहने वाले हैं, पर यहीं पे हो गए। पर यहाँ पे मैंने भी तब तक मेरा कैमरा बंद नहीं किया जब तक कि हमारे चश्मे पूरे रेडी नहीं हो गए बन के, तब तक मैंने भी पूरा मस्त वीडियो बनाई वहाँ पे उनके सामने। ऐसे भाई जब वो जो लंबे लंबे बाल वाला था ऐसे घूर घूर के देख रहा था भाई मुझे, मैंने भी यही मन में सोच लिया कि देख ले भाई मैं तो वीडियो बनाऊंगा ही, पूरी शॉप की मस्त वीडियो बनाई मैंने। मैंने भी ठान लिया मन की मैं भी यूट्यूब पर डालूंगा, तू देख लेना भाई कैसा व्यवहार है। भाई डॉक्टर साहब इतने अच्छे से बात करते हैं, हाँ डॉक्टर साहब थोड़े एजेड हो चुके हैं लेकिन काफ़ी बढ़िया अच्छे से बात करते हैं। ये लोग तो बिल्कुल कस्टमर के ऊपर ही चले जाते हैं, कैसा क्या है। तो डॉक्टर साहब हमारे इज्जत कमा कमा के परेशान है, यहाँ पर ये गवाए जा रहे हैं फ्री में। भाई इनको ऐसा लगता है कि हमारी शॉप है तो किसी की शॉप है ही नहीं, हम ये धंधा कर सकते हैं तो कोई कर ही नहीं सकता। वो भाई बाद में बाकी पूरी रिश्तेदारी निकल आई, बाद में काफ़ी ज़्यादा हमें फुर इज्जत देखने को मिली बड़ी, हमको अच्छे से कुर्सी पे बैठाया गया, फिर से हमको दो तीन एक्स्ट्रा अलग से लोगों को बुलाया गया हमारे लिए फ्रेम वगैरह दिखाने के लिए। बाद में पूरी जानकारी हुई, उसने बताया कि भाई हम कुशवाहा हैं, हम भी कुशवाहा हैं। भाई हम लोग तो कुशवाहा, तो उसने बोला कि भाई हम भी कुशवाहा हैं, हमारे यहाँ पे भी खुद की हमारी खेती है। पहले तो भाई उसने पापा से पूछा कि क्या करते हैं आप, तो भाई पापा ने कह दिया हमारी खुद की खेती बाड़ी है, खुद की ज़मीन है हमारी, करते हैं किसान ही करते हैं। क्यों बोलने लगे, अच्छा अच्छा हम भी कुशवाहा हैं, हमारे यहाँ पे भी खेती वगैरह है होती है, हम बिहार के रहने वाले हैं। हमने बोला अच्छा अच्छा, हमने सोचा फिर भाई मैंने दिमाग में सोचा, मैंने कहा भाई इतनी देर पहले से तुम्हारा दिमाग कहाँ गया था, अगर पहले से ऐसी बात करते तो इतना हंगामा होता क्या, पहले कहाँ गया था ये दिमाग। कहते हैं ना कि घुटनों में दिमाग होता है ऐसे लोगों का। ये है भाई डॉक्टर ओपी नायक गडरवारा में यहाँ पे आए हुए थे, तो यहाँ पे ये सब हुआ हमारे साथ। डॉक्टर साहब काफ़ी बढ़िया हैं, लेकिन जो अंदर चश्मे वगैरह बनाते हैं भाई ये यहाँ पे ये है अंदर, यहाँ पे ये शॉप है, ये लोग भाई काफ़ी बदतमीजी से बात करते हैं। आप तो बाहर से बनवाइए, बाहर भी और दुकानें हैं वहाँ पे बनवाइए आप। तो भाई भी ऐसा कुछ हुआ हमारे साथ, ये हम गडरवारा गए हुए थे, नायक डॉक्टर है, काफ़ी अच्छे आइस के डॉक्टर हैं, आँखों के चश्मा वगैरह यहाँ पे काफ़ी अच्छे मस्त बनाए जाते हैं, एक फेमस डॉक्टर हैं। तो यहीं पे हम गए हुए थे, दिन भर हमें लग गया था, तो हमें ये नहीं पता था कि आज हमारा दिन ऐसा होने वाला है। तो भाई साहब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।